हेलो गाइस, मैं हूं सुमोदी और आप देख रहे हैं ए एस ऑटो। तो आज हम वीडियो करने वाले इस किया सेल्टोस के ऊपर। तो ओनर से आज पूछते हैं ओनर ने किया सेल्टोस क्यों लिया है, क्योंकि मार्केट में और भी ऑप्शंस थे गाड़ी का। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद सम सिनेमैटिक शॉट्स। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. तो ये गाड़ी बिलोंग करता है ऑर्कोदा का। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑर्कोदा। थैंक यू भाई। तो कब ली आपने गाड़ी? इस गाड़ी को हो गया है 1.5 महीना, ऑलमोस्ट 1 महीना 20 दिन। ओके, तो कितना मंथ्स वेट करना पड़ा आपको? इसको हमने बुक किया था 2021 के 24th अक्टूबर को, और इसका डिलीवरी हमको मिला था 7th ऑफ फेब्रुअरी। मतलब आप अंदाजा लगा लो, ऑलमोस्ट 3.5 महीने वेटिंग के बाद फाइनली अपने को मिली है। ओके, सो विच मॉडल? ये अपना है HTX डीजल मैनुअल। तो कौन सा गाड़ी आप देख रहे थे? देखो, सबसे पहले अपना रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। मार्केट में हमने सर्च किया था, सबसे पहले फर्स्ट अपना क्राइटेरिया था एक मिड साइज SUV होनी चाहिए, सब 4 मीटर नहीं, जो कि ब्रेजा नेक्सॉन वगैरह, क्योंकि अपने पास पहले एक बलेनो थी, वो भी अंडर 4 मीटर लेंथ की थी। तो उससे अगर हम लोग अपग्रेड करते हैं, तो उससे भी अगर हम एक अंडर 4 मीटर कार ही लेते तो कोई फायदा है नहीं। मिड साइज SUV फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। सेकंड रिक्वायरमेंट थी एक डीजल कार होनी चाहिए। ओके, तो मार्केट में जो ऑप्शन है, किया सेल्टोस, ह्युंडई क्रेटा, फिर MG एस्टर, VW की टाइगुन, स्कोडा कुशाक, इन सब में जस्ट किया और क्रेटा में अपना डीजल इंजन अवेलेबल था। इन दोनों में से अपना चूज करना था और सेल्टोस ही चूज किया, क्योंकि क्रेटा का जो फ्रंट लुक है तो मेरे को पर्सनली पसंद थी। तो आपके पास पहले बैलेनो था, वो भी एक अनसेफ कार था, तो आपने 3-स्टार रेटिंग देखकर भी अपने किया सेल्टोस क्यों लिया फिर? भाई देखो, मैंने बता दिया ना, बजट अपना उतना ही था। हाँ, 16 लाख तक। हाँ, क्राइटेरिया भी मिड साइज एक डीजल कार चाहिए। तो अब सेफ ऑप्शन की अगर बात करें, तो उसमें अगर हम सेफ्टी की तरफ देखें तो अपने को डीजल नहीं मिलता। हाँ, अगर हम सेफ्टी और डीजल दोनों की तरफ देखें तो बजट एक्सीड कर रहा था। हाँ, वो भी सही है। ओके, हैरियर का मेरा बहुत ही मन था, लेकिन वो तो भाई 20+ जाती है। आपके पास पहले पेट्रोल था, अभी डीजल पर शिफ्ट किया हो आपने, तो कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेट्रोल में मैं बता देता हूँ, सिटी में जो अपना चलना होता था उसके लिए पेट्रोल ठीक ही था, नॉर्मल सिटी ट्रैफिक में जो था। लेकिन अपना हर 1 या 2 महीने में एक छोटा सा लॉन्ग ट्रिप भी होता था हाईवे पे, 500 किलोमीटर या कुछ। अच्छा। उसमें भाई पेट्रोल में बिल्कुल फेडअप हो जाते थे, हाईवे में मज़ा ही नहीं आता था, जब फुल लगेज के साथ, फुल पैसेंजर के साथ AC चला के चलते थे, अंडर पावर, बिल्कुल फुल अंडर पावर। तो फ्रंट से तो इतना अच्छा लुक मिल जाता है लाइट वगैरह का, तो इसका रिस्पॉन्स कैसा है रात को? भाई ये सिर्फ ऊपर ऊपर दिखावटी है, मैं जो बता रहा हूँ, मतलब बाहर से उन्होंने फुल एकदम बढ़िया कर दिया डिजाइन। आप देखो ये जो LED है, मतलब बिल्कुल इधर से पूरा ग्रिल पे कनेक्ट होता है, फिर इधर पे जाता है हेडलाइट, LED चेंबर्स वगैरह, ये सिर्फ बाहर ऊपर ऊपर में दिखने को अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप रात को अंदर बैठते हो ना, जिस हिसाब से इन्होंने डिजाइन बनाया है उस हिसाब से लाइटिंग है। आपने ऑलमोस्ट 16.5 स्पेंड कर दिया गाड़ी के ऊपर, तो EV क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि डीजल का प्राइस भी बढ़ रहा है, पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ रहा है, तो अभी तो EVs बहुत लोग ले रहे हैं, तो आपने EV लेते तो अपना सिटी में लिमिटेड हो जाता, रन हाईवे पे जा नहीं सकते थे, क्योंकि EV में रेंज तो 300-350 की मिलती है। वो तो कंपनी क्लेम करते हैं, पर उससे भी कम ही है, 150-200 ज्यादा से ज्यादा मिलेगी AC चलाओगे तो। फिर अगर रैश चलाओगे तो और भी कट। गाड़ी का मेन पॉजिटिव बोले तो क्या क्या है? पॉजिटिव तो सबसे बढ़िया इसका डीजल इंजन, चलाने में भी फुल मजा है, माइलेज भी बढ़िया दे रही है मेरे को ये सिटी में, इजीली मैं बता रहा हूँ 14-16 दे रही है विद AC। विद AC मेरे को 14 मिल रही है, विदाउट AC 16। ओके, बहुत ही अच्छा है फिर। और हाईवे में विद AC 19 और विदाउट AC 20-20.5। सेकंड इसमें लुक जो है, ओके, लुक तो सबको पसंद आ रहा है, इसका बहुत बढ़िया। थर्ड मेरे को इसका इंटीरियर मजेदार लगता है, जो डुअल टोन इसमें मिलता है, जो STX में मिलता है, स्पेस वगैरह भी बढ़िया है कार में, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और क्या पॉजिटिव है इस पर? और पॉजिटिव जैसे बलेनो से यही मैंने बता दिया, ग्राउंड क्लियरेंस जिसका बढ़िया है, फिर बोनेट वगैरह दिखता है, प्रीमियम सा फील अंदर से आता है। फिर म्यूजिक भी इसका बढ़िया है, इसमें बोस के स्पीकर नहीं है, इसके ऊपर वाले वेरिएंट में अपने को बोस मिलते हैं, इसमें आरकमिस के स्पीकर मिलते हैं, लेकिन फिर भी बढ़िया। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो क्या क्या है गाड़ी में? गाड़ी में देखो, मेरे को 2-3 नेगेटिव लगते हैं। सबसे पहले तो इसकी हेडलाइट्स मैंने बता दिया है। हाँ, बहुत ज्यादा पुअर है इसका परफॉर्मेंस, एकदम घटिया नहीं है लेकिन एवरेज है, मतलब जिस हिसाब से नहीं, मतलब इस प्राइस पॉइंट में सही नहीं है। 16.5 लाख की कार में इससे बेहतर हेडलाइट्स होनी चाहिए। हाँ, सेकंड ऑफ ऑल इसकी सेफ्टी,
बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, मतलब जो ऊपर ऊपर आपको मटेरियल फील होता है, फिर बोनेट का वेट देख लो, फिर दरवाजों का वेट, बहुत ज्यादा हेवी है इसका दरवाजा। अगर कोई क्रैश टेस्ट रेटिंग इसका नहीं जानता ना, कोई लेमैन बंदा देखे उसको लगेगा कि बहुत मजबूत कार है, लेकिन अंदर अंदर कुछ कर दिया है। थर्ड जो नेगेटिव है, ये खैर मेरे को खुद लगता है, मेरे को नहीं लगता बाकियों को ये लगता होगा या फिर किसी ने दिखाया, इसका जो ये वाला पैनल है ना, ये कुछ ज्यादा ही इस तरफ है। मतलब जनरली मेरे को जो आदत थी बलेनो में बैठने की, मैं जनरली इस पोजीशन पे बैठता था, ठीक है, अच्छा थोड़ा सामने करके, मतलब इतना सा मेरे को नी रूम चाहिए था। ओके, और अगर मैं इस पोजीशन पे इस कार में बैठू ना, अगर मैं क्लच दबाने जाऊँ, इसको मेरा सा मतलब स्पेस थोड़ा सा कम है इसका, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा आ गई, इसके लिए मेरे को थोड़ा सा इस कार में पीछे करके बैठना पड़ता है, तब जाके मेरा ये फ्री होता है। ये भी एक चीज आप देख सकते हो। तो गाड़ी कितना किलोमीटर अभी तक चल चुका है? ये चल चुकी है ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर। 1000, तो फर्स्ट सर्विस तो हो चुका है? सर्विस इसकी हो चुकी है, वो तो फ्री सर्विस था, बेसिक अपना तो वगैरह। ऑल टोटल एक्सपीरियंस कैसा रहा किया के साथ? एक्सपीरियंस एवरेज था भाई, बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट सर्विस जो है कुछ ज्यादा तो चेंज करना होता नहीं है, जस्ट चेकअप एंड वॉशिंग, उसी में इन्होंने लगा दिया था ऑलमोस्ट 5.5 घंटे। बाप रे, इतना ज्यादा क्यों भाई? पूरे शहर में ना एक ही सर्विस सेंटर है, ये कोलकाता है, मेट्रो सिटी है, फिर भी एक ही सर्विस सेंटर है पूरे शहर में, इतना क्राउड था, इतना क्राउड था। अच्छा, इसीलिए। तो एसयूवी गाड़ी है, तो बूट स्पेस वगैरह कैसा है इसका? स्पेस आप खुद देख लो, 433 लीटर की मिलती है, फुल अपना फ्लैट है, कोई लोडिंग लिफ्ट है नहीं। बाप रे, और इधर पे आपको एक लाइट मिल जाता है जो हैलोजन सेटअप पर है, स्पेयर व्हील वगैरह भी देख सकते हो, ये खैर एक साइज छोटा है गुडियर के टायर। अच्छा, तो रियर स्पेस के बारे में बात करें तो कैसा है इसका रियर स्पेस? देखो मेरी 6 फीट हाइट है और ये वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, लेग स्पेस तो बहुत है। आप फिर भी देख सकते हो कितना मेरे पास स्पेस है, फुल मैं ऐसे फैल के बैठा हूँ, इतना मेरे को नी रूम है, थाई सपोर्ट भी ऑलमोस्ट परफेक्ट ही आप कह सकते हो। अच्छा, अगर कोई और शॉर्ट बंदा बैठेगा तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। ओके, एंड हेड स्पेस? हेड स्पेस भी आप देख सकते हो इतना मेरे को। अच्छा, रियर सीट्स को आप रिक्लाइन भी कर सकते हो अपने हिसाब से, तो ये आप देख सकते हो, दो एंगल देख सकते हो, ये ऊपर है और ये अपना रिक्लाइन है, तो इतना अपने को 4 उंगलियों का गैप मिल जाता है, इसको भी अगर हम चाहे तो ऐसे फ्लैट हो जाएगा। एंड इधर पे आपको आइसोफिक्स मिल जाता है, ये क्या दोनों सीट पे ही है आइसोफिक्स? दोनों सीट पे ही अपना आइसोफिक्स सीट बेल्ट मिल जाता है। ओके, एंड ये आपका रियर आर्मरेस्ट मिल जाता है, कप होल्डर वगैरह भी इसमें है, मैंने पन्नी नहीं हटाया, ये टिपिकल इंडियंस जो होते हैं हम लोग, नई कार लेते हैं तो थोड़ा सा 1 महीना 2 महीने तो ऐसे ही चला देंगे, मजा लेने देते नई कार। और किया सेल्टोस में जो एक चीज मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, तीनों आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, क्रेटा वगैरह में नहीं मिलता, नहीं क्रेटा में आपको नहीं मिलेगा, ये भी एक अच्छा फैक्टर था। और इसका फ्लोर भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट फ्लैट है, हम थोड़ा सा है वो भी मैट की वजह से थोड़ा, हाँ भी आप देख सकते हो ऐसी अपने को मिलती है, यूजफुल है गर्मियों में, बिल्कुल यूजफुल है, लेकिन चलान पुलिस वालों से भी बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पुलिस वाले क्यों पकड़ेंगे इस पे, क्योंकि ये तो OEM है, वो लोग कुछ नहीं देखते OEM है कि क्या ये उनके लिए कोई रूल है नहीं, उनका अगर मन चाह उनका चलान काटना है तो वो आपको पकड़ चलान चाहिए सिर्फ उनका मंथली कोटा फुलफिल। तो इंटीरियर आपको ओवरऑल कैसा लगता है? इंटीरियर भाई A1, मैं बता रहा हूँ ना, जो GT लाइन या फिर X लाइन में भी इंटीरियर मिलता है उससे भी मेरे को इसका कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया लगता है, ब्लैक एंड बीज वाला। ओके, ये शायद सॉफ्ट टच है ना? हाँ, थोड़ा सा सॉफ्ट टच है, फुल्ली सॉफ्ट नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। अच्छा, लेदर आपको मिलता है थोड़ा। और एयरबैग्स कितने मिल जाते हैं? 2, इतना पैसा देने के बाद भी 2, ये दिक्कत कर दी ना उन्होंने, 6 एयरबैग देने ही चाहिए। टॉप स्पीड 240, तो कितना टॉप स्पीड कट चुके हो अभी? अभी 160। ओ, और जाता है शायद, और भी जाता है, लेकिन और रिस्क नहीं लिया। ओके, में क्या रिस्क लेना। और इसका हैंडलिंग वगैरह कैसा रहता है इतना टॉप स्पीड पर भी? बहुत बढ़िया भाई। ब्रेकिंग मैंने लगा दिया, कार ना इधर गई ना उधर, बिल्कुल सीधा जाके रुकी, डिस्क ब्रेक है, इसलिए डिस्क ब्रेक है, बहुत बढ़िया इसकी ब्रेकिंग। ABS थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव कभी कभी लगता है, 80 से 100 के बीच में, लेकिन वो कभी कभी लगता है हमेशा। क्रूज कंट्रोल है आपके पास, तो कितना इफेक्टिव लगता है क्रूज कंट्रोल? अगर पूरा खाली स्ट्रेच मिलता है हाईवे पे तो इफेक्टिव है, लेकिन अपने इंडियन कंडीशन में उतना ज्यादा इफेक्टिव है नहीं। आपको 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है जो टॉप मॉडल में भी आता है, इसमें ढेरों सारे फीचर आप खुद देखो, इनबिल्ट इसमें मैप मिल जाता है, ये भी बढ़िया अपना है, मतलब पूरा एंड्रॉइड फोन है, पूरा कोई फीचर की कमी है नहीं। देखो क्या आपको फीचर चाहिए, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब है इसमें, है लेकिन वायरलेस नहीं है, इतने में और क्या ही मिलेगा आपको? नहीं, मैं एक मजे की बात बताता हूँ, इसका जो लोअर ट्रिम है ना HTK या फिर HTK+, उसमें अपने को वायरलेस मिलता है, लेकिन टॉप मॉडल्स में वायर्ड मिलता है। ये क्या चीज हुआ, हिसाब किताब है, किया वाले ही जाने सकते हैं, स्मार्ट क्यों रहे। ओके, इफेक्टिव है? नहीं नहीं भाई, फालतू चीज है, मैं तो कभी ऑन ही नहीं करता उसको। अच्छा, आप लोगों को एक म्यूजिक का आउटपुट सुनाते हैं कैसा है इसका, तो
बोस तो आपको नहीं मिलता इस मॉडल में। चार स्पीकर है, दो ट्विटर है, सिक्स स्पीकर सिस्टम है। इसका थंब है बहुत सही है, इसका बहुत बढ़िया भाई, कोई कहेगा ही नहीं इसमें बोस स्पीकर नहीं है। कनेक्टेड फीचर्स भी मिल जाता है, इसमें यूवो मिलता है, फिर हाँ ये आपका टोइंग है, एक्सीडेंट के वक्त ही सब काम आता। तो आपने क्या इसको एक्टिव कर लिया, यूवो को एक्टिव कर लिया, मैं फोन में दिखा देता हूँ। ये देखो, ये किया कनेक्ट ऐप अभी नाम दिया इन्होंने यूवो का। अच्छा, ऐसे इसका डिस्प्ले मिलता है आपको। ओके, क्या कुछ होता है इस ऐप से? इससे देखो अभी ऑन होगा, इससे आप देख सकते हो ये आपकी कार हो गई, कितना रेंज दिखा रहा है। ओके, डिस्प्ले पे देखो 860 किलोमीटर दिखा रहा है। हाँ हाँ पूरा सेम। फिर इधर आप कार लॉक अनलॉक कर सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये लैगी है बहुत। आप हाफ ऑफ द टाइम इसको लॉक करने जाओगे दिखा गया कि सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, यही चीज। ओके ओके, व्हीकल ट्रिप वगैरह। अच्छा, सर्विस। इसमें क्या आपको जीपीएस भी मिल जाता है? जीपीएस मिल जाता है, वो एक काम की चीज है। इसका जो मेन अट्रैक्शन है इसका सनरूफ, अगर पैनोरामिक हो जाता तो सोने पे सुहागा वाला बात हो जाता, पर तो हो ही जाता, लेकिन प्राइस भी कितना बढ़ जाता। ये मेरे को 16.5 में मिला, तो इसको ऑलमोस्ट और 1 लाख लगा लो आप। हाँ, 2 लाख महंगा आता है सनरूफ वाला मॉडल। इसको ऐसे आप ओपन कर सकते हो, पर बहुत छोटा है इसका सनरूफ। छोटा तो है भाई। कभी यूज किया हो आपने? देखो यूज किया मतलब, हाँ कभी शुरू शुरू में एकदम लुक के लिए करते थे, लेकिन वैसे कोई है। चाबी भी देख सकते हो, ये जो STX अपने को चाबी मिलती है, सेम चाबी अपने को बिल्कुल GT लाइन या फिर X लाइन में भी मिलता है, लॉक अनलॉक होल्ड करके स्टार्ट करने का और ये बूट खोलने का अपने को फंक्शन इसमें मिल जाता है। तो अभी आप लोगों को ना ये जो होल्ड वाला फंक्शन है अभी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कैसा क्या काम वगैरह होता है। इसके लिए दो क्राइटेरिया, सबसे पहले जो गियर है ये न्यूट्रल पे होना चाहिए। ओके, सेकंड ऑफ ऑल हैंड ब्रेक 5 पॉइंट्स तक ऊपर होनी चाहिए। 5 पॉइंट्स मतलब देखो, आप ऊपर करोगे 5 बार क्लिक की साउंड आनी चाहिए। देखो एक बार आया, 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले अपने को कार लॉक दबाना है, हो गई लॉक, और अभी इसको होल्ड करके रखो। अरे नाइस, यूजफुल है, यूजफुल है भाई, गर्मियों में यूजफुल है। तो आपने जो ऑन किया अभी गाड़ी, तो इसमें क्या आपका AC भी ऑन हो जाता है? AC अगर अंदर से हमने ऑन करके कार को बंद किया था तब ऑन हो जाएगा, लेकिन अभी हमने ऑन नहीं किया था तो अभी ऑफ ही रहेगा। अच्छा, ये कितना टाइम तक ऑन रहता है गाड़ी? ये शायद कितना, 3-4 मिनट तक रहता है। अच्छा, तो किया सेल्टोस ड्राइव करके बोलते कैसा गाड़ी है। ऑल्दो मैं पहली बार इसको चला रहा हूँ, SUV भी एंड डीजल इंजन भी, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। पहले गाड़ी स्टार्ट हो चुका है एंड इतना साइलेंट है, लग रहा है पेट्रोल इंजन पर बैठे हैं हम लोग। बोलते हैं डीजल इंजन का जो क्लच है वो हार्ड होता है, पर आप खुद ही बोलो आपको कैसा लग रहा है। मेरे को तो पेट्रोल जैसा फीलिंग आ रहा है, एंड पावर के बारे में बोले तो बहुत ही ज्यादा पावर है इस पे, नो डाउट, एंड हॉर्न भी बहुत सही है इसका। पर इसका जो स्टेयरिंग है बहुत लाइट नहीं लगता आपको? सिटी के लिए तो लाइट ही बढ़िया है कि नहीं? हाँ, तो विजिबिलिटी वो बहुत सही है। देखो अभी मैं डिपर मारूंगा इसको, डिपर तो बहुत सही है इसका डिपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड भैया का भी चैनल है जिसका नाम है ओर्को चौधरी, तो आप जाके भैया को फॉलो करो। भैया रिव्यूज भी करते हैं न्यू का लॉन्चेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।